दरअसल हम बात करें प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक की, तो इनके अंतर को समझना थोड़ा मुश्किल है। पर अगर इसे आसान भाषा में समझें तो प्रीबायोटिक फाइबर आपके खाद्य पदार्थों का एक प्रकार है, जिसे हमारे पेट में रहने वाले गुड बैक्टीरिया आसानी से पचा सकते हैं। तो वहीं प्रोबायोटिक फर्मेंट्स फूड्स होते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। प्रोबायोटिक एक जीवाणु होता है जो आपके आंत में मौजूद योग्य मात्रा में पाए जाने वाले दही, बासी चावल, गोभी, अचार और अन्य ऐसे पदार्थों में पाया जाता है, जिनमें जीवाणुओं की संख्या का विशेष ध्यान दिया जाता है और आपके आंतरिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकते हैं। प्रोबायोटिक आपके पाचन तंत्र के सही कार्य को बढ़ावा देते हैं और आपकी प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रीबायोटिक की, प्रीबायोटिक एक ऊर्जा का स्रोत होता है जो आपके आंत में रहने वाले गुड बैक्टीरिया को पोषित करने के लिए सेवन किया जाता है। ये आंत के ऊपरी हिस्से में पचने वाले नहीं होते हैं, बल्कि ये आंत के निचले भाग में पहुंचते हैं और वहाँ प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया को खुराक प्रदान करते हैं। प्रीबायोटिक आपके आंतरिक माइक्रोबायोम को स्वस्थ रखने और समर्थ बनाने में मदद करते हैं। यदि हम प्रीबायोटिक फूड्स के कुछ उदाहरण की बात करें तो उसमें आते हैं ओट्स और नट्स, केले, लहसुन और प्याज। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लास्ट में हम यह कहना चाहेंगे कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों एक प्रकार से जुड़े हुए हैं। यह एक गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है तो दूसरा इसका खाना है। दोनों मिलकर पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं। अगर एक नहीं होगा तो दूसरे का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इन सभी तत्वों का संयोजन करने से आपके पाचन तंत्र के संतुलितता में सुधार होता है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी होता है।